हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बिहार एसएससी से रिलेटेड जितने भी भर्तियां आई हुई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। जैसे कि पंचायत सचिव का आपका 3532 वैकेंसी है, राजस्व कर्मचारी का जो आपका 3500 वैकेंसीज है, ठीक है। और इसमें फॉर्म आपका कब से फिलअप किया जाएगा इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वे में बात करने वाले हैं कि इसका फी कितना रहने वाला है, सैलरी कितना रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो मिनिमम एज कितना है और मैक्सिमम एज कितना है, क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, ये कल का पेपर में दिया हुआ था। अस्थाई बहाली होगी, देख सकते हैं। इसमें आपको पढ़ के सुनाते हैं पूरा, किसमें किस पोस्ट में कितना वैकेंसीज है। जैसे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने नए पदों को दी स्वीकृति। इसमें देख सकते हैं 3832 जो पद है उसको मंजूरी मिल गया है, ठीक है। और 2000 पोस्ट जो जितने भी हैं इसको पदों की हरी झंडी जल्द, यानी कि 2000 पदों पर अब जल्द मतलब इसमें रिक्रूटमेंट कराया जाएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी एक बार दिखा देते हैं यहाँ किसमें कितना वैकेंसीज है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख लीजिए, पंचायत सचिव का आपका 3532 वैकेंसीज है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी का आपका 3500 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो असिस्टेंट टीचर हैं विशेषज्ञ चिकित्सक का, इसमें 1318 वैकेंसी आपका, ठीक है। विशेषज्ञ चिकित्सक का आपका 6 पोस्ट है और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का 63 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और सहायक अभियंता का इसमें 51 वैकेंसीज हैं। उसके बाद कृषि अभियंता का 18 आपका वैकेंसी इसमें, ठीक है। बाकी बात यहाँ सहायक निदेशक पौधा संरक्षण का जिसमें 8 है, ठीक है। और इसमें सहायक निदेशक सहयोग समिति जिसमें समितियाँ जो है इसमें 7 वैकेंसीज है। और बीपीएससी 69वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें कि 329 वैकेंसीज में, ठीक है। और चलिए इसमें पूरा पढ़ के सुनाते हैं, अच्छे से वेट कीजिए थोड़ा सा। देख सकते हैं ये पटना का न्यूज़ है, बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां अस्थायी प्रकृति की होगी। इसमें देख सकते हैं ये टोटल परमानेंट जॉब होगा आपका। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य में पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3532 पद हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार में राजस्व कर्मचारी के टोटल 3500 आपका वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग में सहायक असिस्टेंट टीचर का जो विशेषज्ञ चिकित्सक के जो टोटल वैकेंसी है 1378 पद है, एवं 6 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद। श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 63 पद है। कुल मिलाकर यही वाला जो आपको वैकेंसी बताया यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बीपीएससी एवं कर्मचारी चयन आयोग से होगी अधिकांश नियुक्ति, यानी कि जो आपका जितने भी सारे वैकेंसीज हैं ये सारा आपका कंडक्ट कौन कराएगा, ये बीपीएससी कराएगा और जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कराएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है नौकरी और रोजगार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसियाँ आपको रिलीज़ कर दी, मतलब कुछ दिन में रिलीज़ कर दी जाएगी। बाकी बात अभी तो 2000 पदों पर आपका वैकेंसी जल्द रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और ये रही इसमें एज का, तो इसमें जो 12th इंटरमीडिएट लेवल का जो वैकेंसीज होगी उसमें मिनिमम एज आपका 18 रखा जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम 37 ही जनरली रहती है, ठीक है। बाकी बात जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट होगा उसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम एज 21 होगा। और अभी देखिए फॉर्म का जो फ़ी है वो डिसाइड नहीं किया गया कितना रखा जाएगा। बाकी बात इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह सारा उसी में आपको डिक्लेयर किया जाएगा जब इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।